वो लोग सुधर जाएं, अपनी गलती को सुधार ले, नहीं तो फिर आने वाले समय के अंदर ऐसे सभी कार्यकर्ता या ऐसे सभी नगर सेवक उनके ऊपर पार्टी के माध्यम से उचित कार्रवाई की जाए। आप देख रहे हैं बाउंडर इंडिया टीवी। भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर के जिला अध्यक्ष रवि व्यास को एक साल पूरा हो गया। जब मीरा भाईंदर के जिला अध्यक्ष रवि व्यास बने थे तो मानो उनके सर पे एक कांटों वाला ताज पहनाया गया था और कई लोगों ने दबी मुंह से ये भी कहा था कि इनके बस की बात नहीं है, लेकिन आज ये इनका एक साल का सफर पूरा हुआ। आइए बात करते रवि व्यास से कि इनका ये एक साल का सफर कैसा रहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। जब विधानसभा के चुनाव हुए, चुनाव के अंदर भाजपा की विधानसभा सीट पे हार हो गई। जो पूर्व विधायक थे नरेंद्र मेहता जी, उन्होंने राजनीति से संन्यास लिया, घोषित किया, तो उस समय अपने आप के अंदर पार्टी के अंदर एक वैक्यूम सा हो गया था। और तब हमारे जो पार्टी के लीडर है आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब, जिनके नेतृत्व में महाराष्ट्र के अंदर सभी कार्यकर्ता काम करते हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रकांत दादा, इन सभी नेताओं ने मीरा भाईंदर शहर की जो परिस्थिति थी उस परिस्थिति के अनुसार, जब पार्टी के सभी तत्कालीन जितने भी हमारे जिला के वरिष्ठ पदाधिकारी थे, नगर सेवक थे, हम सभी लोगों ने देवेंद्र जी से भेंट ली थी, दादा से भेंट ली थी, उसके बाद में हमने कहा कि कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर शहर में आपके मार्गदर्शन की और कहीं ना कहीं आवश्यकता है, जिससे पार्टी का संगठन सही रूप से चल सके। तो पार्टी के जो प्रदेश के नेता हैं उन लोगों ने सर्वे किया, चर्चा की, उसके बाद में निर्णय लिया और उसमें मुझे जिला अध्यक्ष पद का दायित्व दिया गया, जो कि अपने आप के अंदर बड़े सौभाग्य की बात है मेरे लिए। और ईमानदारी से पार्टी का संगठन का गठन का कार्य किया, विशेष रूप से सभी भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक नगर सेविका और तमाम कार्यकर्ते जो कि इस मीरा भाईंदर शहर में रहते हैं और मोदी जी को मानते हैं, हिंदुत्व विचारधारा को मानते हैं, उन सभी लोगों ने मुझे साथ दिया, सहयोग दिया, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने मार्गदर्शन दिया। और शुरुआत में कुछ विरोध हुआ था, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, कई नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के आपका सपोर्ट नहीं कर रहे थे, कई कार्यकर्ता भी आपका सपोर्ट नहीं कर रहे थे और आपको मानते ही नहीं थे जिला अध्यक्ष, उसके बाद क्या कहेंगे? जो आपने कहा कि कई नगर लोग मानते थे, हाँ, कुछ हमारे नगर सेवकों ने विरोध किया कि जिला अध्यक्ष का जो निर्णय है वो गलत तरीके से लिया गया है, उस निर्णय को बदलना चाहिए वरना हम राजीनामा देंगे, कई सारी ऐसी बातें हुई थी। लेकिन जैसे कि मैंने तब भी कहा था कि भाजपा की जो ताकत है, भाजपा की जो संगठन के जो काम करने का तरीका है, जो संस्कार है, उस संस्कार के अंदर सभी कार्यकर्ता सभी लोग मिलकर काम करेंगे। और जैसे जैसे समय बीता, आपने देखा कि जिन लोगों ने विरोध किया था उन सभी लोगों ने फिर साथ में समर्थन दिया, अपना जो पार्टी का निर्णय था उस निर्णय को माना। और अपने आप के अंदर भाजपा की इतनी बड़ी ताकत है कि सभी लोग उस विचारधारा के साथ में मिलकर संगठन के विस्तार के कार्य में लग गए और हमने सभी मंडलों का, सभी प्रकोष्ठों का, सभी आघाड़ियों का, यहाँ तक कि हम लोग ने बूथ अध्यक्ष से लेकर बूथ कमेटी तक का हम लोग ने गठन किया और करीबन 10,000 से अधिक
नए कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हुए। एक सवाल आता है कि आखिर में लोग जो कई नगर सेवक थे या कई कार्यकर्ता थे जो भारतीय जनता पार्टी के थे, क्या वजह थी कि आपको जिला अध्यक्ष नहीं मानते थे? देखिए क्या होता है कि जब एक अरसे से एक नेतृत्व था जो कि भाजपा के अंदर कार्य कर रहे थे, तो जो उनकी एक अपनी एक टीम थी, एक लॉबी थी, तो कहीं ना कहीं नए अध्यक्ष को स्वीकार करने में थोड़ा सा कहीं प्रभाव था, कहीं दबाव था, कुछ कन्फ्यूजन रहा होगा। बट उन सारी चीज़ों को मैं भूल चुका हूँ और वो चीज़ अब पीछे रह गई। और सभी लोगों ने, आपने जब देखा है कि सभी लोगों ने पार्टी के निर्णय को सही माना है, और आप देख रहे हैं कि सभी पार्टी के जितने भी नेता है सभी लोग पार्टी के झंडे के नीचे इसी जिला कार्यालय से काम कर रहे हैं। एक सवाल और भी आता है कि अगर देखेंगे तो आपका जो सफ़र रहा नगर सेवक, सभापति, अब जिला अध्यक्ष, कितना काम का प्रेशर बढ़ता है और कितना एक जो काम का एक दायरा होता है, कितना आप उससे प्रभावित हैं और कैसा ये जो काम करने का अनुभव है वो बताएंगे आप? देखिए शुरुआती दौर से ही समाज में सेवा करने की इच्छा रही है, देश के प्रति कुछ करने की इच्छा रही है, और जब मन में उत्साह रहता है कार्य करने का, सेवा करने का, तो ये सारी चीज़ें जब हम लोग काम करते हैं, सेवा करते हैं, तो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन, जॉब सेटिस्फेक्शन आप कहिए कि मिलता है, एक आनंद की अनुभूति होती है। और अपने आप के अंदर नगर सेवक बन के जब हम लोगों की काम करते हैं, जब उनके दुख के अंदर, उनके सुख के अंदर उनके साथ में होते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, तो जब उनका आशीर्वाद मिलता है, जब उनकी दुआएँ मिलती है, तो हमारी ताकत और प्रेरणा और बढ़ती है। और भाजपा के जिला अध्यक्ष होने का तो सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व के सबसे बड़े नेता के मार्गदर्शन में आज हम कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से बड़ा ही अच्छा अनुभव होता है। और मैं ऐसा देख रहा हूँ करके कि मीरा भाईंदर में हर एक समाज के लोग, हर एक तबके के लोग, चाहे वो शिक्षक हों, डॉक्टर हों, एडवोकेट हों, इवन गुरुजी जो पंडित कहलाते हैं, वो भी आपके नृत्य में काम करना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग अभी भी आपसे जुड़ रहे हैं, आज भी लगातार भारतीय जनता पार्टी से लोग जुड़ते चले आ रहे हैं। देखिए जब हम समाज के अंदर सभी लोगों और सभी वर्गों के पास अगर हम सामने से जाएंगे, उन्हें विश्वास दिलाएंगे कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो उसमें जनहित है, उसमें देशहित है, उसके अंदर हमारे समस्त हिंदू समाज का हित है, तो हमारे मीरा भाईंदर शहर के अंदर भाजपा को मानने वाला वर्ग बहुत बड़ा है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी से हमने संगठन का काम किया और सभी समाज के लोगों को हमने इस संगठन के अंदर जगह दी है, स्थान दिया है, चाहे वो व्यापारी वर्ग कहिए, चाहे वो लेबर क्लास कहिए, चाहे वो आप हर एक समाज का आप सोशल इंजीनियरिंग अगर आप देखेंगे, तो हमने सभी समाज, सभी वर्ग के लोगों को इस संगठन के अंदर स्थान दिया है। प्रोफेशनल लोगों को, चाहे वो डॉक्टर्स हो, एडवोकेट्स हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, बिजनेसमैन हो, रिक्शे वाले हो, फेरी वाले हो, हर एक वर्ग, हर एक क्लास, खास करके महिलाएं और युवा हमारे संगठन के अंदर बहुत बड़ी संख्या के अंदर जुड़े हैं। हमारी महिला अध्यक्ष, हमारे युवा अध्यक्षों ने भी काफ़ी अच्छा काम किया, हमारे मंडल अध्यक्ष अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे सभी जिला के पदाधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर इन सभी जो हमारे संगठन का जो गठन हुआ है उसका लाभ हमारे संगठन को भी होगा और मनपा चुनाव में भी होगा। एक आरोप और भी लगते हैं, कई बार लगे भी होंगे, आपने शायद देखा नहीं होगा, हमने सुना भी था कि जिसको आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, तो क्या आप बताना चाहेंगे कि आरोप भी लगे हैं ऐसे कि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और उन्हें वापस से शामिल किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है, जो पार्टी के अंदर ऑलरेडी है उन्हें हम प्रवेश नहीं देते हैं। ऐसे लोग हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मानते हैं, लेकिन उन्होंने कभी आज तक संगठन के अंदर कभी कार्य नहीं किया, उन्होंने वो संगठन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े नहीं थे। ऐसे लोगों को हमने पार्टी के जिला कार्यालय तक उन्हें लेके आए, उन्हें पार्टी का प्लेटफॉर्म दिया, उन्हें एक जवाबदारी निश्चित की उनके लिए, तो ऐसे लोगों को तो पार्टी के अंदर लाना स्वाभाविक है। जिला अध्यक्ष बनने के बाद आपने कितने लोगों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया? मैंने कहा मेरे पास में करीब 10,000 से अधिक प्रैक्टिकल सक्रिय कार्य करते हैं जो कि आज एक्टिव है हमारी पार्टी के अंदर, और कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों ने
टोल फ्री नंबर पे कॉल करके हमें अपना समर्थन दिया है, ज्वाइन दिया है। लेकिन 10,000 तो लोग ऐसे हैं कि जो कार्यालय पे प्रत्यक्ष रूप से समय समय पर आके हमारे कार्यक्रमों में आके पार्टी के साथ में एक्टिवली जो जुड़ चुके हैं, काम कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि 10,000 लोग आपके जिला अध्यक्ष बनने के बाद भारतीय पार्टी का दामन थामे हैं। जब ये लोग नहीं थे तो भारतीय जनता पार्टी 61 लेके आए थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का जो आपका नारा है, इस बार 80 पार 10,000 लोग कितने कारगर साबित होंगे? देखिए बिल्कुल, तब जब हमारे 61 सीट आए थे तब हमारे आदरणीय देवेंद्र जी स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे। हजारों करोड़ के विकास कार्य मीरा बंदर शहर में देवेंद्र जी के माध्यम से हुए, मेट्रो कहिए या और भी अन्य जितने भी कॉन्क्रीट रोड की बातें हों, बहुत सारे कार्य ऐसे थे जो देवेंद्र जी ने किए। अब सौभाग्य की बात यह है कि जो भ्रष्टाचारी वसूली महाविकास आघाड़ी की सरकार है वो गिर गई है, और हिंदुत्व विचारधारा वाली पुनः जो कि महाराष्ट्र की जनता ने जो अपना निर्णय दिया था मतदान के द्वारा, वही आज हिंदुत्व की युति की सरकार आदरणीय एकनाथ जी शिंदे और हमारे सर्वोच्च नेता आदरणीय देवेंद्र जी, इन दोनों के माध्यम से सरकार का गठन हुआ है। तो जो कई जो हमारे 2.5 साल के अंदर जो रुके हुए कार्य थे, जो हमारे पेंडिंग थे, वो अब सब पूरे होंगे। और देवेंद्र जी के आशीर्वाद से पार्टी के संगठन की बदौलत अब की बार 80 पार का जो नारा है वो बहुत ही आसानी से सफल हो जाएगा। ऐसा देखा गया है कि आपके जिला कार्यालय में ऐसे कई नगर सेवक हैं आज भी नहीं आते हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए पार्टी के नगर सेवक हो, पदाधिकारी हो, नेता हो, कार्यकर्ता हो, सभी के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो संगठन के आदेश का पालन नहीं करता है, जिस कार्यालय का उद्घाटन देवेंद्र जी ने किया है, जिस निर्णय को आदरणीय देवेंद्र जी और चंद्रकांत दादा ने पालन करने को कहा है, ऐसे सभी कार्यकर्ता हो, नगर सेवकों, मैं स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि महानगर पालिका के चुनाव को अब सिर्फ 1 या 1.5 महीने रहे हैं, वो लोग सुधर जाएं, अपनी गलती को सुधार ले, नहीं तो फिर आने वाले समय के अंदर ऐसे सभी कार्यकर्ता या ऐसे सभी नगर सेवक, उनके ऊपर पार्टी के माध्यम से उचित कार्रवाई की जाएगी। अगर वो सोचते हैं कि पार्टी के आदेशों को ना मान के, पार्टी के संस्कारों को ना मान के भी अगर उन्हें लगता है कि पार्टी उन्हें टिकट देगी या कोई जवाबदारी देगी, तो उनकी ये गलतफहमी है। जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं सभी से विनती करता हूँ कि अपनी गलतियों को सुधार लें। इस बार रवि व्यास का एक नारा है, इस बार 80 पार, तो अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए सभी कार्यकर्ताओं के मन में उत्साह है, देवेंद्र जी के नेतृत्व में फिर से महाराष्ट्र के अंदर सत्ता आ गई है। अब जो हमारे रुके हुए विकास कार्य थे हम सभी लोगों को मिलकर करना है, संगठन को और मजबूत करना है, विस्तार करना है, और हमारा खुद का जो पिछली बार का रिकॉर्ड है उसे तोड़ने के लिए, अब की बार 80 पार के लिए हमें सभी को तन मन धन से ईमानदारी से प्रयास करना है। ये तो थे मीरा भाईंदर के जिला अध्यक्ष रवि व्यास। जिला अध्यक्ष बने थे तो इनके सर पे कांटों वाला ताज था, और इन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ में वो अपना जो पद है उसे इन्होंने पूरा किया। इनके रास्तों में कई सारी कठिनाई आई, लेकिन हर एक चीज़ कहते हैं ना, जब आदमी आगे बढ़ता है तो पीछे नहीं देखता है, वही चीज़ इन्होंने किया। पहले नगर सेवक, सभापति, अब जिला अध्यक्ष। इन्होंने एक और बात कही बातों बातों में ही कि जो भी कार्यकर्ता मुझे जिला अध्यक्ष नहीं मानते हैं या जिला कार्यालय में नहीं आते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर पार्टी लेवल पे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और इस बार का जो रवि व्यास का नारा है, इस बार 80 पार, काफ़ी उत्साह है इनके कार्यकर्ताओं और इनके पदाधिकारियों में, हर जगह से एक ही गूंज उठ रही है कि इस बार जो रवि व्यास का नारा है उसे हम जरूर करके दिखाएंगे। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि आने वाले मनपा चुनाव में जो रवि व्यास का नारा है इस बार 80 पार, वो कितना सीट चुन के लाते हैं। बॉन्ड इंडिया के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट।